हिंदुस्तान का मिशन बन गया मिशन अन्मय। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग ले रहे मिशन में हिस्सा। अन्मय को बचाने के लिए 16 करोड़ इकट्ठा करने का मिशन। सोनू सूद से लेकर रत्नेश कुमार तक हर कोई बना मिशन अन्मय का हिस्सा। आम जनता ने भी चला दिया अन्मय को बचाने का अभियान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कुछ महीने पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। माँ बाप और उनके रिश्तेदारों ने खुशियाँ मनाई। बच्चे को नाम दिया गया अन्मय। अन्मय अपनी मासूमियत से सबका दुलारा बन गया था, लेकिन जब वो 4 महीने का हुआ तो एक दिन उसके माँ बाप को वो चीज़ पता चली जिसके बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बैंक में नौकरी करने वाले अन्मय के पिता और माँ को जब पता चला कि उनके लाल अन्मय को वो बीमारी है जो करोड़ों में एक को होती है। अन्मय को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल ही नहीं, इतना महंगा है कि उसके माँ बाप अपनी पूरी हैसियत बेचकर उसका इलाज नहीं कर सकते। दरअसल 4 महीने के बाद भी जब अन्मय में कोई खास एक्टिविटी नहीं दिखी तो उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। सुल्तानपुर और लखनऊ के डॉक्टर तो अन्मय की बीमारी नहीं समझ पाए, लेकिन जब अन्मय को दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने देखा तो वो हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि अन्मय को SMA1 स्पाइनल मस्कुलर एटोरोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी का इलाज बहुत रेयर केस में है, अगर इलाज है भी तो बहुत महंगा। अन्मय चल पाए, दौड़ पाए, इसके लिए डॉक्टर ने बताया कि अन्मय को 16 करोड़ रुपए का टीका लगेगा जो भारत नहीं विदेश से मंगाना पड़ेगा। बेटे की बीमारी से परेशान माँ बाप इतना महंगा इलाज सुन रोने लगे और सुल्तानपुर आ गए। माँ बाप ने बेटे को बचाने के लिए पहले अपनी संपत्ति की कीमत लगवाई, फिर रिश्तेदारों से मदद ली। बावजूद इसके सिर्फ कुछ पैसा ही इकट्ठा हो पाया। अन्मय के माँ बाप को लगा मानो उनका अन्मय कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं दौड़ेगा। लेकिन जब इस बात की जानकारी कुछ सामाजिक संगठनों और कुछ सामाजिक लोगों को हुई तो हिंदुस्तान में एक मिशन चलाया गया, अन्मय बचाओ मिशन। इस मिशन का लक्ष्य अन्मय को बचाने के लिए 16 करोड़ की राशि इकट्ठा करने का है। मिशन में नेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक मजदूर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई मिशन में ज़्यादा डोनेट कर रहा है तो कोई 1 रुपया, लेकिन हर कोई अन्मय को बचाने के लिए प्रयासरत है। लोग पैसा डोनेट करने के साथ साथ इस मिशन को फैला रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अन्मय बचाओ मिशन अब पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इस मिशन में लोगों की मदद करने के लिए मशहूर अभिनेता सोनू सूद भी जुड़ चुके हैं। सोनू सूद ने मिशन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सुल्तानपुर UP में एक 8 महीने का बच्चा है जिसका नाम है अन्मय और उसे SMA की प्रॉब्लम है। आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई हैं और एक इस जान को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और ये एक परिवार के लिए संभव नहीं है। पूरे देश ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई, मैं भी इस बच्चों को बचाने में कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों की छोटी सी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अन्मय को बचाने में वो एक माँ बाप को उसकी जो जान है वो वापस दे सकती है। सो आपसे गुजारिश है कि जो भी थोड़ी बहुत कुछ भी चाहे 1 रुपया दान करें, लेकिन अन्मय के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन से एक माँ बाप को उनका 8 महीने का बच्चा जो है उसको नया जीवन मिल सकता है। जय हिंद। मिशन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी जुड़ चुके हैं। नीरज सिंह ने खुद पैसे डोनेट करते हुए और लोगों से भी मिशन को सफल बनाने की अपील की। सेव अन्मय, इस मुहिम में मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने अंदर की संवेदना को जगाएं, अपनी मानवता का परिचय दें और अन्मय सिंह के अकाउंट में जो भी सहयोग राशि संभव हो आपके अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें आप योगदान करें। मैं भी कर रहा हूं और हम सब मिलकर अन्मय को एक जीवन दान देने का पुण्य कार्य, मुझे लगता है इससे बड़ा अवसर ईश्वर हमें नहीं दे सकता है। आप सब मिलकर सेव अन्मय मुहिम से योगदान करके जुड़ें। इस मिशन को क्राउड फंडिंग के साथ साथ सरकार से भी मदद दिलाने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता रत्नेश कुमार ने पहल की और दर्जनों नेताओं से मिल CM योगी आदित्यनाथ से अन्मय को बचाने में योगदान देने की गुहार लगाई। आज मैं बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे परिवार, हम का भांजा, मेरा अपना भांजा अन्मय SMA Type 1 नामक बीमारी से जूझ रहा है। सुल्तानपुर इस पूरी मुहिम में बढ़कर हिस्सा ले रहा है। मैं प्रदेश के सभी जनपदों के लोगों से आग्रह करता हूं, अगर आपका सहयोग
किसी भी बच्चे की जान बचाए तो इससे पुण्य और प्रणीत कार्य हो नहीं सकता। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अनमय की जान बचाने के लिए जरूर डोनेट करें। हम सब चाहें तो मिलकर किसी की भी जान बचा सकते हैं। 23 करोड़ आबादी वाले इस प्रदेश में खूब ताकत है जो अगर चाहे तो किसी की जान बचा सके। आप सब कुछ न कुछ जरूर डोनेट करें और इस मुहिम में बढ़कर हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कोशिश करें कि सबसे जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे कुछ न कुछ अवश्य डोनेट कराएं। विधायकों, सांसदों और तमाम नेताओं की अपील के चलते सीएम योगी अनमय और उसके माँ बाप से मिले। सीएम योगी ने अनमय के माँ बाप को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस मिशन को सफल बनाने में कितने लोग योगदान दे रहे हैं उनकी गिनती ही नहीं है। हर कोई अपने अपने स्तर पर मिशन को सफल बनाने में जुटा है। वो पहले कुछ पैसे खुद डोनेट करता है और फिर दूसरों को डोनेट करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका नतीजा है कि अनमय बचाओ मिशन सफल होता दिख रहा है। अगर मिशन ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित समय के अंदर अनमय को 16 करोड़ का टीका लगना है। वो उस समय के भीतर लग जाएगा और लाखों लोगों के संकल्प और प्रयास से अनमय चलेगा भी और दौड़ेगा भी और अपने हिस्से की ज़िंदगी खुलकर जिएगा जो उसे भगवान ने दी है। NDTV भारत भी अपील करता है कि अनमय बचाओ मिशन में हिस्सा लें और चाहे 1 रुपये की मदद करें, लेकिन करें ज़रूर। अगर आप किसी भी तरह इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स के जरिए आप अनमय की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।